मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जिन छात्राओं ने अभी तक कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए 30 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गई है। वर्तमान में मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत 2017 से 20 और 18 से 21 के जितने भी छात्राएं हैं वह इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात एक दो तीन दिन के अंदर उनके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आएगा। आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद उन्हें अंतिम चरण में फाइनलाइज करना होगा, उसके बाद उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन अभी तक नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, तो जल्द से जल्द आप ऑनलाइन कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इन द पोर्टल इज एक्सटेंडेड है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 30 अप्रैल तक जो कर दिया गया है। पहले ये जो डेट था 31 मार्च तक था, लेकिन इस डेट को जो है बढ़ा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि बढ़ाने का कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा दे रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पेमेंट में, यहाँ पेमेंट वाले में आते हैं और यहाँ लिस्ट ऑफ अनफाइनलाइज स्टूडेंट का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है अभी तक जो है फॉर्म को फाइनलाइज नहीं किया है, ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, मैच मार्कशीट नंबर नॉट मैच बता रहा है। उन लोगों ने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना करेक्शन नहीं कराया है, या बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा किया है, लेकिन उसके डाटा को जो है अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जिस कारण से इस डेट को जो है आपको बढ़ा दिया गया है। अगर लास्ट डेट अगर नहीं बढ़ती है तो 31 अप्रैल से पहले जो है आपका पैसा आ जाएगा। जिसका भी फाइनलाइज हो गया, जिनका भी लिस्ट वन या लिस्ट टू दोनों में किसी में नाम है, तो सबका पैसा आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है 554 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं किया है। चीज आपको ध्यान देना है, 50,000 रुपए के लिए कौन लोग अप्लाई करेंगे, तो जिनका रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31/10/2022 के बीच पब्लिश किया गया है, वही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है जितने भी छात्रा ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से या थर्ड डिवीजन से, वो जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार का निवासी होनी चाहिए और आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना है। आगे मैं बताऊंगा अपलोड करने का प्रोसेस। आप अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स भरना है, उसको से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और पांचवें स्टेप में फाइनल कर देना है। तो ये 5 सिंपल स्टेप आपको करने हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, सारे चीजों को टिक कर देंगे। आपका बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए, बैंक पासबुक यहाँ लगेगा, आधार कार्ड वगैरह लगेगा, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सब चीज अच्छे से आपको भरना है। और ध्यान रहे, जो अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो आपके जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपके पैसे आएंगे। 50,000 रुपए का सवाल है फ्रेंड्स, वीडियो को सही से देखिए, सही से समझिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपना जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो है बिहार में पढ़ाई किए हुए, तो सभी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, आप यहाँ पे जो है चेक करेंगे, सर्च करेंगे, जो भी अपना यूनिवर्सिटी है चूज करेंगे। उसके बाद से यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दोनों में से क्या है ये चीज यहाँ पे लिखेंगे। मार्कशीट नंबर क्या है ये आपको यहाँ पे लिखना है। फादर नेम क्या है आप ये लिखेंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड होगा ना, उस पर भी जानकारी लिखी रहती है। और मार्कशीट नंबर, मार्कशीट की जो है उस पर आपको मिलेगा। स्लैश लिखा है स्लैश, माइनस लिखा है माइनस, 2021 लिखा है 21, सब जैसे लिखा है वैसे D2C लिख देंगे। ABCD हो या नंबर हो, सब D2C यहाँ पे आपको क्या करना है, भरना है मार्कशीट नंबर में। फिर फादर नेम लिखेंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए सारी जानकारी लिख के मैंने जो है यहाँ पे प्रोसीड किया, तो देखिए कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे शो हो चुका है। कभी कभी क्या हो रहा है, किसी किसी स्टूडेंट का जो है सभी जानकारी सही रहते हुए भी ना नॉट अ वैलिड स्टूडेंट करके लिख के आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपका जो है सारी जानकारी सही होने पे ऑटो जो है पॉपुलेटेड नहीं होता है आपकी जानकारी, तो आप जो है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे, ये जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए क्या करते हैं, प्रोसीड। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आप चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक खुल के आएगा, ब्लॉक का नाम यहाँ पे आप जो है चूज
कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको नेम एज अ पर आधार, जिस तरह से आधार पे नाम है उस तरह से आपको लिखना है। एक चीज ध्यान रहेगा, आप जो है जिस तरह से मार्कशीट पे जानकारी है उसी तरह से आधार पे भी होनी चाहिए, अकाउंट पे भी होनी चाहिए, तभी जाके आपके पैसे आएंगे। नहीं तो जाना मिसमैच हुआ तो नहीं आ पाएंगे पैसे। यहाँ जेंडर बताएंगे फीमेल आएगा केवल, यहाँ आधार नंबर लिखेंगे और जिस तरह से जो है आपके डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लिखेंगे और वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है ये डाटा वेरीफाई होगा, फैच होगा डाटा सर्वर से और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ये आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो फैच हो जाएगा डाटा। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके उस मोबाइल को ओटीपी जाएगा, उसको क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को लिखेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे ओटीपी जाएगा वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है बैंक डिटेल्स भरना है, आपको आईएफएससी कोड लिखेंगे, आईएफएससी कोड लिखते ही यहाँ पे आपकी जो है बैंक का नाम शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर कन्फर्म दोबारा से अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको जो है निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, निवास प्रमाण पत्र के ऊपर रहता है सर्टिफिकेट नंबर, कब जो है आपने वो बनवाया हुआ है, इशूइंग बाई किसके द्वारा बनवाया हुआ है, डीएम के द्वारा, एसडीओ के द्वारा या सीओ के द्वारा। तो सीओ होता है ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं, तो सीओ आप चूज कर लेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही फाइनलाइज करेंगे फ्रेंड्स, सारी जानकारी लिखने के बाद से इस प्रकार से आपको जो है सारी जानकारी खुल के आएगी। यहाँ पे एक बार आपको जो है समय देना है, एक मिनट दो मिनट, और सभी जानकारी को बारीकी से एक बार पढ़ना है कि क्या आपने जो भी जानकारी दिया है उस सब चीज सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर इसमें कोई भी चीजें गलत है, जो भरते समय हो जाता है मिस्टेक, तो आप उसे बैक जाके सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं गलती है तो आप यहाँ रजिस्टर का बटन मिलेगा, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एडेड सक्सेसफुली लिख देगा, आपको क्या करना है ओके कर देना है। ओके करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप जो है इसका प्रिंट आउट नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, आप प्रिंट आउट करके अपने पास इसका हार्ड कॉपी रख लेंगे और आपको एसएमएस भी जरूर मिल गया होगा, मोबाइल पे भी एसएमएस जरूर मिल गया होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको फॉर्म को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के बाद से जैसे आप बैक कर लेंगे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसका तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी तक जो है यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया, पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स भरा, दो स्टेप तक हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप जो है अभी हमको यूजर आईडी पासवर्ड जब मिलेगा ना उसके बाद हम जो है फाइनल करेंगे। तो ये हम आधा स्टेप किए हुए हैं और इसके आगे आपको अभी नहीं मिलेगा ऑप्शन करने का। अभी जो है कुछ दिन बाद जब ये पोर्टल पे अपडेट होगा जानकारी, उसके बाद फ्रेंड्स आपको आगे जो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो का ऑप्शन आएगा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप आपको बाद में करना है, कुछ दिन बाद करना है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, वेबसाइट पे अपडेट होगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। आपको इतना रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इतना करके आपको अभी छोड़ना है और आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेजेगी आपके मोबाइल पे, ईमेल पे, तब जाके आपको तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप ये आपको जो है कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास 50,000 रुपए के लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है ये जानकारी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है बहुमूल्य जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।